इस कॉमेडियन ने भाजपा पर कसा तंज, यूजर बोला लिपिक का बटन दबाया तो भी बीजेपी को वोट गया। हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी को 40 सीटें मिली है। वैसे पिछले चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक ये जीत का अंतर कम है। ऐसे में ट्विटर पर एक कॉमेडियन ने भाजपा पर तंज कसा है। दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ट्विटर पर भाजपा और कांग्रेस को लेकर एक ट्वीट किया है। कुणाल ने अपने ट्वीट में भाजपा और कांग्रेस के बजट का जिक्र किया है। कुणाल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुणाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक बूस्ट पोस्ट का बजट कांग्रेस के पूरे इलेक्शन बजट से ज्यादा है, फिर भी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिली हैं। बता दें कि कुणाल मुंबई के रहने वाले हैं और उनका पॉलिटिकल कॉमेडी पॉडकास्ट स्टैंड अप या कुणाल काफी पॉपुलर रहा है। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब कुणाल ने किसी मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कुणाल अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। कुणाल के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे में एक यूजर ने भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा कि लिफ्ट में सातवें फ्लोर के लिए बटन दबाया तो आवाज आई, भाजपा को वोट देने के लिए शुक्रिया।